See, being a part of Saavli, it's a wonderful feeling because NGO है, social cause के लिए हम लोग बहुत सारे काम जो हैं हम करने के लिए उतरे हैं. तो of course अच्छे काम हर आजकल की दुनिया में बहुत कम हो पाते हैं हम सभी से. But अगर इस तरह से हमसे अच्छे काम हो पा रहे हैं तो of course मैं अपने वो बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, which is a very nice thing, good feeling. और सेंटा बनके सड़कों पे उतरना अगेन ये तो अलग ही फीलिंग है. गोलू मोलू से सेंटा क्यूट से आज के बाद मुझे लोग बहुत क्यूट क्यूट बोलेंगे. आज तक लोग मुझे एकदम डेविल बोलते थे, बट आज एक क्यूटनेस भी मेरे सेंटा की वजह से मेरे आई थिंक चेहरे पर आएगी. लोग डेफिनेटली कॉल मी क्यूट. और रही बात एनजीओ की, तो काफ़ी टाइम से रश्मि जो है इस एनजीओ पे काम कर रही थी. मुझे बहुत टाइम पहले उन्होंने जिक्र किया था इस बात का और इन्होंने बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी मेरे ऊपर सौंपी है. वाइस प्रेसिडेंट मुझे बनाया, विच इज़ अ वेरी 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 बिग थिंग, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. कभी सोचा नहीं था कि बॉम्बे आके किसी एनजीओ का मैं हिस्सा बनूंगा, पार्ट बनूंगा, और वो भी इस तरह. और थैंक्स टू रश्मि जिन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी, मुझे हिस्सा बनाया. वैसे एक मैसेज भी छोड़ रहे हैं सांता के थ्रू कि एवरी ईयर हम लोग सांता को कितना मोटा और अगली बना देते हैं. तो नहीं नहीं अगली नहीं है, तो सांता अगली नहीं होते हैं. सांता क्यूट होते हैं बट इतना मोटा होता है ना. तो नाउ इट इज लाइक यू नो द क्यूटी टेडी बियर सबको मोटे मोटे अच्छे लगते हैं ना. नहीं तुम, अरे तुम फिट इंसान सबको ज्यादा अच्छा लगता है. तो सांता नेक्स्ट ईयर से होगा फिट. Yeah, so, it's an inspiration for Santa. Yeah. Santa भी और बैठ के देख रहे होंगे, यो कौन घड़ा सा आदमी चुत रहा है एकदम ज़्यादा बॉडी सॉडी बना के. Exactly. तो Santa. कभी अपने बचपन में कभी फ्रेंडशिप कंपटीशन में Santa बने थे? नहीं कभी नहीं बना, आज बना. अरे क्या ही मौका मिला मुझे आज. बचपन की सारी तमन्नाएं बड़े होकर पूरी होती हैं, इसलिए मैंने अपने बचपन को कभी खत्म नहीं किया अपने अंदर. और बचपन आज भी है क्योंकि जो बचपन में जी नहीं पाया बच्चों की तरह वो मैं बड़े होकर जी रहा हूँ. आई थिंक हर किसी के अंदर बचपना होना चाहिए. बचपन मर जाए तो इंसान मर जाता है, क्योंकि जो बचपना होता है, जो बचपन की सोच होती है वो बहुत सच्ची होती है, बहुत अच्छी होती है. और मैं और एक बात ऐड करना चाहूँगी, आज सबने मिस्टर सांता तो आज तक देखे हुए हैं, बट मिस्टर सांता के साथ में मिसेस सांता, ये मैं आपको पहली बार मतलब आज मैं क्या ही आपको दिखा रही हूँ. सांता बुलेट पे भी जा रहे हैं और मिसेस सांता भी आई हुई है जो हमें ज्वाइन करेगी एंड हु इज द पार्ट ऑफ सावली. मिसेस सांता, सांता बोलेंगे मैं तो कल ही रह गया, हमारे तो सांता है. ये कौन आदमी है जिसकी सांता. तो आपको कैसे लग रहा है सावली का पार्ट बनके? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. सो मैंने जैसे पहले भी कहा, जब क्रिप बिजी होंगे शूटिंग में, स्केड्यूल इनका बहुत टाइट होता है, तब मैंने रश्मि को प्रॉमिस किया है कि मैं क्रिप की कमी पूरी करूंगी जहां तक भी मेरा हो सके. आई नो इज ही इज अ बिग सेलिब्रिटी, बट वट एवर काम होगा आई विल बी देयर आपको क्या पता है कि नहीं लोग बुरा मान जाएंगे तो पागलों की बावड़ी पूछे काट देना. हेलो नहीं ऐसा थोड़ी है सांता. कितने लोग गर्ल्स हैं जो सांता पे क्रेजी है. आई ऑल्सो लव सांता. वो गिफ्ट्स के लिए ना, मतलब सेल्फिशनेस. सो क्यूट यार सांता, इसलिए क्यूट. तो अभी जाते जाते मैं बस इतना आपको बताना चाहूंगी, फिर जाते जाते बोलेंगे सावली के बारे में. अभी हम लोग जा रहे हैं किसी को सरप्राइज देने, क्योंकि खुशियाँ ही हमेशा बड़े गिफ्ट में नहीं होती है, छोटी छोटी चीज़ें भी इंसानों के मुँह पे खुशियाँ लाती है. जैसे आज क्रिप टाइम निकाल के आया, हमारे सबके चेहरे पे खुशियाँ आई, वैसे ही हम लोग ये खुशियाँ स्प्रेड करने जा रहे हैं किसी और के चेहरे पे. तो आप हमें ज़रूर फॉलो करना प्लीज़. Stay tuned. Thank you so much. Bullet Santa. Thank you so much. God bless you. I love you all.